आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर सोमवार देर रात हादसा हो गया। फिरोजाबाद की ओर से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर को पार कर रेलिंग तोड़ते हुए सर्विस रोड पर गिर पड़ा। वहीं हादसे के बाद शीशा तोड़कर बाहर निकल रहे चालक और क्लीनर पर बिजली का खंभा गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इमरजेंसी में एडमिट करवाया, जहां क्लीनर की मौत हो गई, वहीं चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि सोमवार देर रात को फिरोजाबाद की ओर से एक खाली ट्रक आगरा आ रहा था। मंडी समिति के पास अचानक ट्रक अनियंत्रित हो गया। वहीं तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर को पार करते हुए रॉन्ग साइड पर आ गया। इसके बाद भी ट्रक की रफ्तार कम नहीं हुई। ट्रक हाईवे की रेलिंग को तोड़ते हुए सर्विस रोड पर गिर गया। वहीं सर्विस रोड पर लगे ट्रांसफार्मर से जाकर ट्रक टकराने के बाद रुका। ट्रांसफार्मर से टक्कर के बाद तेज धमाका हुआ और पूरे क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। वहीं ट्रक के टक्कर के बाद चालक और क्लीनर फंस गए। बड़ी मुश्किल से वो शीशा तोड़कर बाहर निकले। जैसे ही ट्रक से बाहर निकले, बिजली का पोल उन पर गिर पड़ा, इससे दोनों नीचे दब गए। रात को आसपास के लोगों ने आवाज़ सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान क्लीनर की मृत्यु हो गई, वहीं चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।